का महत्व बता दीजिए आप। बिल्कुल जो पर्व है आप लोगों का छठी मैया का, इसके बारे में आप बताइएगा। जोर से बोलो। और इस पर्व में क्या महत्वता रहती है सुहागिन लोगों के लिए? और जैसे ये बोला जाता है कि बच्चों के लिए स्पेशल मतलब रखते हैं ऐसा? हाँ, अपने मन की मुराद पूरी करवाने के लिए छठी मैया को मनाया जाता है। सीधा इसकी महत्वता के बारे में बताइए आप। आप ये बताइए कि ये पूजा बिहार के लिए स्पेशल मानी जाती है, बहुत बड़ी। आप ये पूजा दिल्ली में यमुना घाट पे कर रहे हैं, तो वहाँ में और यहाँ में कुछ अंतर लग रहा है या नहीं? भगवान हर जगह जहाँ पानी है भगवान कल जो आपकी पूजा होगी उसका महत्व के बारे में देखिए, कहते हैं कि सूर्य डूबते हुए बहुत तो 3 दिन तक आप लोग ना जल लेते हैं ना अन्न लेते हैं? कुछ नहीं लेते। और शक्ति जो है आपके पास? देखो 3 दिन का भूखी कोई खाए क्योंकि उपास भी नहीं खा रखी है, शक्ति बहुत देते हैं, इतना महान है, बहुत शक्ति। और जो अभी आप लोग कर रहे हैं नदी में वो क्या कर रहे हैं आप लोग? ये तो हम कृष्ण भगवान का अर्घ दे रहे हैं ना। हाँ, और जो पूजा का सामान है आपकी विशेषता है कुछ, इनकी जो आपके पास सामान है इनका, जैसे फल है कि अन्न, और आपके पास सभी है, नारियल है, सब कुछ है फल में भी, तो उसकी विशेषता क्या है जो आप लोग पूजा में रखते हैं? कम से कम आवाज को बढ़ाओ यार। पिंटू जी के तरफ से बिहार से चल के आए, रोजी रोटी करते हैं अपना दिल्ली में, उनके तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार है। और हमारे बीच में बहुत सुंदर सा पुरस्कार, मनोज राम वैशाली बिहार, 111 रुपए का पुरस्कार। ये छठी मैया का परिवार हमेशा खुशहाल रखे, जिस भाव से आते हैं आपको पूजते हैं, ये पूरा यूपी बिहार पूरा आज दुनिया पूजने। मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ और ये जो शर्ट फेस्टिवल है जो बिहार की सबसे महान फेस्टिवल है, इसलिए मैं यहाँ पे अपनी ट्रेन की
बिहार वाली फीलिंग आ रही है, और बिहार की तरह हम लोग छठ सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मैं आशा करती हूँ कि हमेशा यहाँ पे छठ ऐसे ही सेलिब्रेट होते रहे, और सिर्फ बिहार वासी ही नहीं दिल्ली वासी भी छठ मनाएं, और सबको सभी छठ को इम्पोर्टेंस दें। और छठ मैया बहुत ही बड़ी मैया है, और सुबह में और शाम को हम लोग छठ मनाते हैं, अर्घ देते हैं, और जो छठ करती है वो फास्ट भी करती है, और ये बहुत ही लंबी फास्ट होती है। ये फास्ट खरना के दिन से स्टार्ट हो जाती है, और प्रसाद भी खरना के दिन से ही बनी स्टार्ट होती है। और ये जो लोग छठ करते हैं वो मॉर्निंग से ही फास्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर अगले दिन जब तक वो अर्घ नहीं दे देते हैं तब तक वो फास्ट करते हैं।